जेडीयू वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिस दौरान शरद यादव और नीतीश कुमार वालों पत्रकारों को संबोधन किया जा रहा है। अब तुम्हें ले चलते हैं तो देखते हैं उन्होंने की कहना है। और पिछले 7-8 बरस से यहाँ भी बहुत अच्छा दोनों पार्टी के बीच में समन्वय रहा है। कुछ लोगों को छोड़ दें, लेकिन जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनके बीच में एक बेहतर तालमेल चलते रहा। जब गोवा में सम्मेलन हुआ राष्ट्रीय समिति का, तो हमारा नेशनल काउंसिल का जो आपके पास प्रस्ताव, हम फिर से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसमें हमने साफ कहा कि हम बंधे हैं इस नेशनल एजेंडा के साथ, इसके दायरे के साथ। यदि इससे पार, इससे अलग कोई छलकेगा तो आगे बात चलेगी नहीं। मगर कई चीज़ें ऐसी हो गई जिसका विस्तार से बयान देना ठीक नहीं, लिखित बयान हमने दिया है, वो आपको मिलेगा। और जो गोवा है उसमें वो अपनी पार्टी में किसको पदाधिकारी बना रहे हैं, वो बने भी नहीं थे, उनने फैसला भी नहीं किया था। उसके पहले हमसे कहीं दूर दूर दराज के इलाके में पूछा, तो हमने कहा उनकी पार्टी का आंतरिक मामला, वो किसको क्या बना रहे इससे हमें कोई वास्ता नहीं। लेकिन उसके बाद जो भाषण हुए, वो भाषण जो है वो जो हम लोगों का दायरा है, ये सारे अजीब, हमारा देश बहुत तरह की विसंगतियों से भरा हुआ है, और सबको साथ लेकर के हमारी पार्टी में, चाहे वो जयप्रकाश जी हो, लोहिया जी हो, चौधरी चरण सिंह हो, कर्पूरी ठाकुर हो, ये हमारी पार्टी की हमेशा धारा रही, कहना है विचार और राह रही। हमने ये जो समझौता किया था, इसमें हेगड़े साहब थे, जार साहब थे, नीतीश कुमार जी थे, और बहुत लोग रहे होंगे, चंद्रबाबू नायडू होंगे। जब एक बार 17 दिन की अटल जी की सरकार बनी थी, उसमें हमारे लोग नहीं गए थे। जब तक नेशनल एजेंडा नहीं बना तब तक हमारे लोग, जब बन गया तब शरीक हुए थे, और उस नेशनल एजेंडे के दायरे में सारी पार्टी चल रही थी। लेकिन ऐसी स्थिति हो गई है, और देश भर में हमारा कार्यकर्ता भी बेचैन है कि इतने पुराने हमारा आज पार्टी जरूर सुकड़ गई होगी, क्योंकि जब हम जब एनडीए में गए तो जेडीयू भी और समता पार्टी, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी, वो सुकड़ते गए। हम उन सब बातों को बर्दाश्त किए, लेकिन उसूल पर जब आ चाहिए तो बात जो है वो, कल शाम से मैं आया हूँ तो सारे कार्यकर्ताओं से, सारे एमपी से, सारे विधायकों से, और जो पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक है उसमें भी, जो परिस्थिति है और जिस तरह से आजकल जो पार्टी है, जैसे अटल अडवाणी जी के ज़माने में एक विश्वास के साथ सब चलता था, आज हमको लगता है कि ये कठिन हो गया। और कठिन हो गया तो गठबंधन यारी से चलता है, दोस्ती से चलता है, वो स्थिति नहीं है। और सिद्धांत के बारे में कल एक जनरल सेक्रेटरी उनका गया है लखनऊ, तो उन्होंने ये कहा कि जो राम मंदिर है वो हमारे एजेंडे में है। तो रोज इस तरह की बात छलकती है जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को और देश की जनता को खटकती है। इसलिए ये सारे प्रयास हमने कई दिन से किए, हम और नीतीश जी लगे रहे कि चीजों को चलाएं, लेकिन खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते।
ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।